आखिर क्या है वो राज जिसकी वजह से रोमन रेंज का एक कैरेक्टर इतना ज्यादा कमाल का है, और क्या रोमन रेंज अब स्मैकडाउन पे अपना एक नया स्टेबल बनाने वाले हैं? रेसलमेनिया हो सकती है पोस्टपोन और उसकी लोकेशन के ऊपर काफी कमाल की अपडेट्स, द फीन्ड का रिटर्न हमें कब देखने को मिल सकता है, और एजे स्टाइल्स ने बताया कि अब WWE में उनका ड्रीम अपोनेंट कौन है, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में गाइस। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, और बहुत सारी न्यूज़ हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और कुछ अपडेट्स, कुछ इंटरव्यूज जो कि हमें आज की स्मैकडाउन के बाद जानने को मिली। सबसे पहले नटालिया और टमीना की इंटरव्यू, जहां पे उन्होंने बोला कि अब शायद वो विमेंस के टैग टीम टाइटल्स को जो है वो चैलेंज करने वाली हैं, यानी कि शार्लेट और आस्का के पीछे वो जा सकती हैं। और नटालिया ने यहाँ पे बोला कि वो बेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि बोट हैं, और उनकी पार्टनर टमीना स्नुका और इनकी जो लेगेसीज हैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वो बहुत बड़ी है, और अब शायद ये टैग टीम डिवीजन के पीछे जाने वाले हैं। इसके अलावा नाकामुरा के हमें एक इंटरव्यू जानने को मिली, जहां पे उनसे पूछा गया कि आज की इस विक्ट्री के बाद उनके लिए नेक्स्ट क्या है, और वो कहते हैं और कुछ नहीं है बल्कि मेरा लिए नेक्स्ट है रोमन रेंस। और काइंड ऑफ नाकामुरा ने यहाँ पे गाइस थोड़ा सा एक पॉइंट बता दिया है कि अब वो बेबी फेस हो चुके हैं और शायद अब वो रोमन के पीछे जा सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो क्या पता रेसलमेनिया से पहले एक और फ्यूड जो हमें देखने को मिलेगी रोमन की वो हो सकती है नाकामुरा के साथ। इसी के साथ सिजारो ने भी अपनी इंटरव्यू दी गाइस, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो मोमेंटम उनके पास है आज के मैच के बाद डैनियल ब्रायन को हराने के बाद, इसी को वो कंटिन्यू रखेंगे रॉयल रंबल मैच में, और वो कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल मैच को जीतने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर पीछे से पटाखे बजने की आवाज आती है, और वो कहते हैं इनसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यही सेम वो आवाज है तो तुम्हें सुनने को मिलेगी जब मैं रॉयल रंबल मैच जीतूंगा। तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सिजारो, और वो कहते हैं कि एग्जैक्टली मैं यहीं पे बिलोंग करता हूं इस मोमेंटम के साथ। और गाइस फैंस भी काफी इस चीज से इंप्रेस्ड हैं कि सिजारो को फाइनली एक शायद पुश मिल रहा है। और फाइनली जो इंटरव्यू हमें देखने को मिली वो थी लिव मॉर्गन, रूबी रायट और बिली के साथ। ये कोई इंटरव्यू नहीं थी, बस यहाँ पे हमें इतना सा देखने को मिला कि लिव मॉर्गन बिल्कुल भी खुश नहीं है रूबी रायट और बिली के दोनों से, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पे वो अपना मैच हार गई। तो ये थी सारी इंटरव्यू स्मैकडाउन के बाद जो हमें जानने को मिली, और कुछ और अपडेट्स जो स्मैकडाउन के बाद अब पता लग रही हैं। पहली बात है कि नाकामुरा ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि यस उनका पुराना थीम सॉन्ग यानी कि द राइजिंग सन वापस आ चुका है, और उन्होंने ट्वीट करा द राइजिंग सन इज बैक किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल, और उन्होंने गाइस ये बात को ऑफिशियली यहाँ पे रिवील करा। तो डेफिनेटली वो थीम सॉन्ग उनका काफी कमाल का था, और अब एक बार फिर से वो हमें स्मैकडाउन पे सुनने को मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE ने आने वाली मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ चीजों को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले ये कि अलेक्सा ब्लिस एक मैच लड़ने वाली है, और वो भी रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का के अगेंस्ट एक नॉन टाइटल मैच में, तो ये काफी बड़ी बात है। और दूसरी चीज कि रैंडी ऑर्टन उस फायरबॉल अटैक के बाद अगले ही हफ्ते वापस आने वाले हैं, और वो गाइस एड्रेस करेंगे उस सिचुएशन को अलेक्सा ब्लिस के लिए, और डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन की तरफ से हमें कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन गाइस जो रैंडी ऑर्टन की सिचुएशन है यहाँ पे आके खत्म नहीं होती, क्योंकि और भी अपडेट्स आती हैं कि आखिर रैंडी ऑर्टन के साथ फिलहाल चल क्या रहा है। तो ये बात हम जानते हैं कि उन्होंने अपना स्पॉट रॉयल रंबल 2021 मैच के लिए ऑफिशियली अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है, और वो उस मैच के पार्ट बनने वाले हैं। लेकिन अब न्यूज ये जानने में आ रही है कि WWE ने वो चीज इसलिए हमें दिखाई है ताकि हम ऐसा सोच के बैठ जाएं कि ऑर्टन अब रॉयल रंबल मैच का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली में गाइस उनका फीड के साथ ही मैच होने वाला है इस पेपर व्यू में। कल भी हमने डिस्कस करा था कि शायद ये मैच हो सकता है और फीड वापस आ सकते हैं, लेकिन अब अपडेटेड इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है कि शायद आने वाली मंडे नाइट रॉ पर ही हमें द फीड का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो भी उनका नया गिमिक या कैरेक्टर होगा, और वो रैंडी ऑर्टन को आगे चैलेंज करेंगे एक फायरफ्लाई फन हाउस मैच में। और WWE ये इसलिए कर रही है ताकि स्वर्व थोड़ा सा देखने को मिले, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट देखने को मिले, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि वो रॉयल रंबल मैच का पार्ट होने वाले हैं, लेकिन फिर मंडे नाइट रॉ पे हमें कुछ और ही देखने को मिल सकता है। तो आने वाला जो रॉ का शो है वो डेफिनेटली कांट मिस होने वाला है गाइस, बहुत सारी यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं जो रॉयल रंबल में लीड करेंगी, स्पेशली रैंडी ऑर्टन वर्सेज द फीड का मैच। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो एडम पियर्स ने अपना रिएक्शन डाला ट्विटर के ऊपर कि आखिर किस तरीके से उन्होंने रोमन रेंस को आउटस्मार्ट कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं उनको फूल कर दिया आज स्मैकडाउन के एपिसोड पे। और उन्होंने एक जिफ अपलोड की बेसिकली जो कि चेस का चेकमेट दिखाता है, और ये चीज उन्होंने गाइस ट्विटर पे डाली है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी एडम पियर्स और रोमन रेंस के बीच की जो स्टोरी है वो इतनी आसानी से खत्म होगी। रोमन रेंस को रिवेंज चाहिए होगा, और मुझे लगता है वो पॉल हेमन को भी ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हेमन ने कहा था कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है सब कुछ सही है, लेकिन एडम पियर्स ने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में चेंजेस कर दिए थे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि आखिर कैसे प्रोग्रेस करता है। लेकिन ये WWE ने ऑफिशियली कंफर्म अब कर दिया है कि रॉयल रंबल 2021
2021 में केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंज ही मैच होगा जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिलेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो एजे स्टाइल्स रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे जहां पे उनसे पूछा गया कि इतने सारे कमाल के अपोनेंट से वो ऑलरेडी लड़ चुके हैं इंक्लूडिंग ब्रॉक लेसनर एंड अंडरटेकर, तो आखिर अब वो कौन सा एक ड्रीम अपोनेंट है जिससे वो लड़ना चाहेंगे अपने इस करियर के अंदर। और उन्होंने नाम लिया द सेरिब्रल असैसिन ट्रिपल एच का, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये मैच कभी हो पाएगा या नहीं, लेकिन अगर कभी मुझे फ्यूचर में मौका मिलता है तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं एक लॉन्ग स्टोरी लाइन के साथ ट्रिपल एच के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि वो काफी कमाल के सुपरस्टार थे अपने प्राइम के अंदर, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मैं उनके साथ काफी कुछ कर सकता हूं। तो क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन एजे स्टाइल्स और ट्रिपल एच की अगर फ्यूड होती है डेफिनेटली गाइस एक काफी मस्ट वॉच चीज होगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो WWE ने रिपोर्टेडली कॉन्टैक्ट करा है दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट भाइयों को, यानी कि वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रदर्स को, टू ज्वाइन द WWE, और इनका नाम है टॉम एंड लूक स्टॉल्टमैन। और गाइस टॉम स्टॉल्टमैन की मैं बात करूं तो ये 2020 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के कॉम्पिटिशन के रनर अप रह चुके हैं, और इनके भाई जो हैं लूक स्टॉल्टमैन वो 5 times स्कॉटलैंड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन चुके हैं। और ये काफी बड़ी बात है कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एक्चुअल वाला, ये कोई गिमिक नहीं है, और ये काफी अच्छी चीज है कि WWE इनको कॉन्टैक्ट कर रही है कोई नए टाइप के बंदों को। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये उस चीज से अपने आप को ट्रांजिशन करें इस स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में, और WWE शायद उनको साइन कर पाएगी। और रिसेंटली जब ये दोनों ये अवार्ड को जीते थे तो ड्रू मैकइंटायर ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करा था ट्विटर के ऊपर, जैसे कि आप अभी ट्वीट देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ड्रू मैकइंटायर और बाकी WWE के अंदर इनकी चर्चा करी जा रही है, क्या ये एक्चुअली में WWE सुपरस्टार्स बन सकते हैं फ्यूचर में या फिर नहीं, उस चीज का तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो कल मैंने रिपोर्ट करा था कि रिकोशे अब ऑल इलीट रेसलिंग में जा सकते हैं, क्योंकि उनका WWE का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है इस महीने। लेकिन इन रिपोर्ट्स को काफी हद तक रॉन्ग प्रूव कर दिया गया, क्योंकि सबसे पहली बात तो रिकोशे ने इसको कोट करके खुद ही लिख दिया दिस इज फेक, और साथ के साथ अब डेव मेल्जर भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब रिकोशे 2019 में मेन रोस्टर पर आए थे तो उन्होंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था WWE के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय WWE लंबी डील्स दे रही थी सारे स्टार्स को ताकि वो AEW में ना चले जाएं, और वो उनकी जो डील है अब समर ऑफ 2024 तक चलती है। तो गाइस अगर हम इस बात को बिलीव करें, और रिकोशे ने बात खुद करी है, तो आई थिंक रिकोशे अभी WWE में रहने वाले हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और ऑब्वियसली ये सेम चीज सुपरस्टार्स पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि डस्टिन रोड्स ने करा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा, और फिर वो AEW में चले गए थे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है तो आई डोंट थिंक कि अभी वो कहीं पे भी जाने वाले हैं। अगली स्टोरी गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेसलमेनिया 37 जो कि होता है द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, द ग्रेटेस्ट पे पर व्यू इन ऑल ईयर, इसकी अपडेट्स हमें जानने को मिलेगी। आने वाला शो यानी कि 37 एडिशन जो इसका होगा वो कब हो सकता है और कहाँ हो सकता है। तो जो ओरिजिनल डेट WWE ने इसके लिए प्लान करी थी गाइस वो थी मार्च 27, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसको पोस्टपोन करके अप्रैल 11 तक जो है वो डाल दिया गया है। और कई महीने पहले हमने सुना था कि अप्रैल 11 या 18 में से कोई एक डेट हो सकती है जहां पे ये शो हो, और माना जा रहा है कि इंटरनली अब अप्रैल 11 डेट को फाइनलाइज कर दिया गया है। और साथ के साथ हम इसकी लोकेशन की बात करें गाइस, तो ये माना जा रहा है कि कैलिफोर्निया में नहीं होने वाला इवेंट, और ना ही ये ट्रॉपिकाना फील्ड के अंदर होगा, ना ही ये एमवे सेंटर के अंदर होने वाला है। तो अगर अप्रैल 11 की डेट फाइनल है तो आखिर ये इवेंट कहाँ हो सकता है? एक रूमर्ड लोकेशन मानी जा रही है द रेमंड जेम्स स्टेडियम, जहाँ पे ओरिजिनली रेसलमेनिया 36 होने वाली थी। तो वो एक ऑप्शन होगा गाइस WWE के लिए अगर वो ऐसा करना चाहते हैं। और अभी अगर हम स्केड्यूल देखें तो रेमंड जेम्स स्टेडियम किसी भी इवेंट के लिए बुक नहीं है उस वीकेंड पे, और रेसलमेनिया डेफिनेटली उस वेन्यू से हमें देखने को मिल सकती है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी सारी अपडेट्स हैं यहाँ पे गाइस, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रेसलमेनिया जो मेन पेपर व्यू है वो कब होगा, और उसके हिसाब से ही फिर WWE सब कुछ बुक करेगी। तो क्या आप लोग इस शो को रेमंड जेम्स से देखना चाहेंगे? डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई रोमन रेंस का ये पुश इतना कमाल का है, लेकिन क्या इसके पीछे विंस मैकमैन है? कौन आखिर इतना अच्छा काम कर रहा है कि रोमन रेंस का कैरेक्टर हमें इतना पसंद आ रहा है? और इसका रीजन गाइस है सिर्फ पॉल हेमन। रिंग साइड न्यूज की तरफ से एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिलती है कि पॉल हेमन सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं इस समय रोमन रेंस की स्टोरी लाइन को, और जो कुछ भी उसके अंदर हो रहा है पॉल हेमन का उसमें सबसे ज्यादा इनपुट है। और ये भी सोर्स हमें बताता है कि रोमन रेंस गाइस एक ऐसे लेवल पे थे पहले जहां पे वो उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते थे WWE यूनिवर्स के साथ, लेकिन अब पॉल हेमन ने उनको उस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है, जैसे उन्होंने रोंडा राउजी और ब्रॉक लेसनर को भी पहुंचाया था जब वो WWE में आए थे। तो ये काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन है, और इसी के साथ जुड़ी है गाइस हमारी आज की फाइनल स्टोरी।
कि रोमन रेंज अब स्मैकडाउन के ऊपर अपना एक नया स्टेबल बना सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की स्मैकडाउन में हमने देखा था कि रोमन रेंज के साथ एक बैकस्टेज सेगमेंट में बैठे थे अपोलो क्रूज और उनको रोमन रेंज एडवाइस दे रहे थे। और कुछ महीने पहले रूमर्स आ रहे थे जब ये नया गिमिक इनका स्टार्ट हुआ था कि शायद एक नया स्टेबल हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइस, हो सकता है कि अपोलो क्रूज उस स्टेबल का एक पार्ट बन जाए और धीरे धीरे रोमन रेंज जो है वो स्मैकडाउन में करप्शन फैला सकते हैं, काफी सारे लोगों को वो अपनी तरफ कर लेंगे ताकि उनका जो हारना है वो इम्पॉसिबल हो जाए। तो ये मस्त चीज है और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे इसको आगे बुक करा जाता है। और मैंने अपने स्मैकडाउन के रिव्यू में भी कहा था, अब अपोलो क्रूज पे हमारी आंखें रहनी चाहिए क्योंकि जो भी वो करते हैं उसका रीजन गाइस रोमन रेंज बन सकते हैं। तो ये थी सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।